वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने अपने फेस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की, जस्ट मैंने लिप बाम लगाया और इसके अलावा और कुछ भी मैंने अपने फेस पर नहीं लगाया। देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी क्लीन एंड क्लियर है और कितना ग्लो है मेरी स्किन पर। वो क्यों? इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ कि जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना, वो बहुत मेडिकल्स होती हैं और उसे अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखें। बाजार से खरीदे हुए प्रोडक्ट भी ऐड रखें, लेकिन वो हमारी स्किन पर वो चीज़ वो ग्लो नहीं लेकर आते जो होम रेमेडीज़ हमारी स्किन पर ग्लो लेकर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब मज़े में होंगे। आज का मेरा टॉपिक है विटामिन सी सीरम के ऊपर। विटामिन सी स्किन केयर रूटीन का ऐसा फेवरेट प्रोडक्ट है कि जिसे जितना आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखोगे ना, तो ये आपको फ़ायदा ही देता चला जाएगा। विटामिन सी सीरम बहुत सी स्किन पर तो सूट बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं कि जिस पर ये सूट नहीं बैठते। जैसे ही विटामिन सी सीरम को फेस पर अप्लाई किया जाता है, या तो रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, या खारिश स्टार्ट हो जाती है, या जलन स्टार्ट हो जाती है स्किन पर, या फिर ड्राइनेस भी फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे विटामिन सी सीरम भी अवेलेबल हैं जिसमें पैराबन ऐड होता है, और ऐसे भी अवेलेबल हैं जो कि पैराबन फ्री होते हैं और जो हर स्किन टाइप पर सूट बैठते हैं। मतलब कि जैसे ही आप उन्हें अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हो, अपने फेस पर अप्लाई करते हो, तो इस तरह की रिएक्शन आपके फेस पर नहीं होती। इस तरह के कोई भी साइड इफेक्ट स्किन पर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेमी नेचुरल विटामिन सी सीरम, जो कि पैराबन फ्री है, स्किन न्यूट्रिएंट्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की, कि इसके ऊपर क्या क्या मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद मैं इसे अप्लाई करने का मेथड भी बताऊंगी। हेमे नेचुरल्स विटामिन सी स्किन सीरम, जो कि स्किन को फेयरनेस प्रोवाइड करता है। ये पैराबन फ्री है। 30 ml प्रोडक्ट इस पैकिंग में सेव किया गया है। इसकी बैक साइड पर इसे अप्लाई करने का मेथड, इसके बेनिफिट और इंग्रेडिएंट्स भी ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, वो सारे के सारे नेचुरल हैं, यानी कि स्किन फ्रेंडली हैं। ये सीरम क्लेम करता है कि ये स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, स्किन को हाइड्रेशन फ्राहम करेगा, स्किन के कम्प्लेक्शन को फेयरनेस टोन में लाएगा। प्लास्टिक की पैकिंग में इस प्रोडक्ट को सेव किया गया है, जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है। ये सीरम स्किन पर होने वाली हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को, डार्क स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम को भी लाइटन अप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पंप फॉर्म की पैकिंग में इस प्रोडक्ट को सेव किया गया है, जिससे इजीली प्रोडक्ट को निकाला जा सकता है। मैं पहले भी अपनी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिन लोगों की स्किन सुपर डुपर सेंसिटिव होती है और विटामिन सी सीरम उनकी स्किन पर सूट नहीं बैठता, तो वो इसे स्किप कर करके अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखें। इसे ऐड रखना हर लड़की के लिए ज़रूरी है, हर स्किन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, हर कोई इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखे। और इसे अप्लाई करने का मेथड ये है कि जैसे ही आपने विटामिन सी सीरम को अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद इसे लॉक करना है, किसी भी मॉइस्चराइज़र के साथ इसे लॉक करें। अगर डे के टाइम विटामिन सी सीरम को अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बाद सन ब्लॉक मस्ट लगाएं। और अगर रात के वक्त आप विटामिन सी सीरम को अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसे अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र लेकर अपने फेस पर मस्ट लगाएं। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाकर इस सीरम को लॉक करें। इसे लॉक करना क्यों ज़रूरी होता है, वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा देती हूँ। अब ये करीम है, अगर मैं इसका कैप खुला रखूँगी तो क्या होगा, इसमें डस्ट जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसका कैप इसके ऊपर दे दूंगी और इसे अच्छे से कवर कर दूंगी, यानी कि लॉक कर दूंगी, टाइट इसे कर दूंगी, तो क्या होगा कि इसमें डस्ट नहीं जाएगी और ये क्रीम सेफ रहेगी, काफ़ी दिन तक ये सेफ ही रहेगी। सेम एज इट, ऐसे ही आफ्टर फेस वॉशिंग जैसे ही आप विटामिन सी सीरम को अप्लाई करते हो अपने फेस पर, तो क्या होता है, ये पोर्स में फिल हो जाता है। और जब पोर्स को लॉक ना किया जाए, तो क्या होगा, पोर्स में डस्ट जाएगी। और जैसे ही डस्ट जाएगी, तो तब क्या होगा, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होगी, रिंकल्स पड़ेंगे, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम होगी। इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको अपने फेस पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस सीरम को लॉक करोगे किसी भी मॉइस्चराइजर के साथ, तो क्या होगा कि जो पोर्स ओपन होंगे वो कवर हो जाएंगे, वो लॉक हो जाएंगे, ये सीरम पोर्स के अंदर लॉक हो जाएगा। तो मतलब कि ये इतना डीपली ट्रीट करेगा आपकी स्किन को कि अगर कोई हाइपर पिगमेंटेशन की या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लाइटन अप होते जाएंगे, स्किन की रंगत भी निखरेगी और स्किन पर एक चमक भी आएगी।
ये सीरम बेफिक्र होकर आप लोग अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखें, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट है। जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है, दिन में 2 से 3 दफ़ा भी आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। जिन लोगों को विटामिन सी सीरम सूट नहीं करता, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट लेकर इस सीरम की अपने फेस पर अप्लाई करें। जैसे ही सूट बैठ जाए तो 3 से 4 पंप यानी कि 3 से 4 ड्रॉप लेकर अपने फेस पर अप्लाई किया जा सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 पंप ही लूँगी और इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसे डैपिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसे रगड़ नहीं रही हूँ। आपने भी इसे बिल्कुल नहीं मढ़ना, सिर्फ इसे डैपिंग मोशन में डैप डैप करके अपने फेस पर अप्लाई करें और इसे छोड़ दें सिर्फ 2 मिनट के लिए। जैसे ही ये ड्राई हो जाए तो इसके बाद क्या करना है, ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सीरम को लॉक करें। सीरम को लगाकर 2 मिनट का भी वेट नहीं करना पड़ा, 1 मिनट में ही ये ड्राई हो गया। और अब यहां पर मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूं अपने फेस पर। जरूरी नहीं कि जो मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ आप यही करें, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है वही मॉइस्चराइजर लेकर सिर्फ उसकी थोड़ी सी अमाउंट ही आपने अप्लाई करनी है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखें मैंने कितनी पिंच सी अमाउंट लिया मॉइस्चराइजर की, और इसे ही अब मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और इस सीरम को लॉक कर दूँगी। डेट्स इट, सिंपल। कितना सिंपल सा मेथड है ना अप्लाई करने का। वही चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ायदा भी दे जाती हैं, और उन्हीं चीज़ों को अगर गलत वे में यूज़ किया जाए ना तो वही हमारी स्किन पर नुकसान कर जाती हैं, यानी कि हमारी स्किन को डैमेज कर जाती हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें आप ज़रूर देखा करें, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें और उन्हें समझ कर देखा करें और फिर उसी तरह अप्लाई किया करें प्रोडक्ट्स लेकर अपने फेस पर, ताकि वो चीज़ें आपको फ़ायदा ही दें। ये सीरम किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा, आई थिंक 800 की रेंज में है जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसे खरीद कर अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखें। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, विंटर आ रहा है, तो तब भी इसे ऐड करें। गर्मियों में भी विटामिन सी सीरम तो वैसे ही इतना ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। यही थी मेरी वीडियो और कुछ मेरी छोटी छोटी सी टिप्स, जिसे देते हुए मैंने अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन को भी कम्प्लीट कर लिया। होप सो कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, अब तो सारा कुछ बनता है ना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मेरी आंखों में इस वक्त इतनी ज़्यादा नींद है क्योंकि रात के 2 बजे बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।